तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असेंबली नूर आलम खान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अपनी ही पार्टी पर बरस पड़े। कहते हैं जो भी वजीर खजाना आता है कहता है मुल्क दिवालिया हो गया, आवाम के लिए हर रिलीफ खत्म करके कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। बिजली, पेट्रोल और खाने पीने की अशिया पैसे नहीं रुपये में महंगी होती है। फैसलाबाद की सेशन कोर्ट्स मैदान जंग बन गई। पेशी पर आए कत्ल के मुदई और मुल्जिम पार्टी के अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। एक दूसरे पर खूब थप्पड़ मुक्के बरसाए, एक शख्स का सर भी फट गया। खवातीन भी एक दूसरे को बालों से पकड़कर घसीटती रहीं। पुलिस ने दोनों पार्टीज में बीच बचाव कराया। सालेहा साहिवाल के नाम से 6 मुलजिमान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। वकला की गैर हाजिरी के बायस फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। मुलजिमान को 4 अप्रैल को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। चेयरमैन नैब की जेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास जारी। इजलास में मुतादिद इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस और रेफरेंसेस की मंजूरी दी जाएगी। पहले से जारी करप्शन केसेस पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया जाएगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयना जारी। जाती मुआलज डॉक्टर अदनान भी हमरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 6 हफ्तों में नवाज शरीफ का इलाज हो सकता है या नहीं ये कहना कबलज़ वक्त होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अस्पताल शिफ्ट करने के लिए तज्जिया किया जा रहा है। सिंध के साबिक वजीर अवैस मुजफ्फर को कर लिया गया है। इंटरपोल की मदद से दुबई से गिरफ्तार किया गया है इन्हें। अवैस मुजफ्फर को 1-2 रोज में पाकिस्तान लाए जाने का इम्कान है। नैब जराए के मुताबिक अवैस मुजफ्फर पर जमीनों पर कब्जा और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम हैं। सिंध के साबिक वजीर अवैस मुजफ्फर को गिरफ्तार कर लिया गया है।